अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एग चिल्ली। इसके लिए मैंने ये चार अंडे लिए और उन्हें अच्छे से बॉयल कर लिया और इस शेप में काट लिया। अब हम बनाएंगे पेस्ट। 3 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदे के लिए, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन। हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। हमने गाढ़ा पेस्ट बनाना है, ये पतला नहीं बनाना। ये देखिए पेस्ट इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें हम ये अंडे बारी बारी डिप करके इस तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, हम ये बारी बारी सारे अंडे इसमें डाल लेंगे और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये मैंने सारे अंडे इसमें सेट कर लिए हैं। इसे हमने फौरन नहीं चलाना, ज़रा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर अपना काम कर जाए ताकि ये जो हमने जर्दी अलग से ऊपर नज़र आ रही है ये इससे अलग ना हो। हमने इसे हल्का सा फ्राई करना है इसमें। ये देखिए हमने इन्हें बस इतना ही फ्राई करना है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। ये मेरे पास 5 टेबल स्पून केचप है और 3 टेबल स्पून चिल्ली गार्लिक सॉस। इसमें मैं 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करूँगी, सोया सॉस, और 3 टेबल स्पून सिरका। मैंने इसमें 3 टेबल स्पून सोया सॉस का ऐड किया और 3 टेबल स्पून सिरके का। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी आपस में। ये चिल्ली फ्लेक्स हैं, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया। आप चाहें तो 1 टीस्पून ले सकते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखा करें कि रेसिपी को फॉलो पूरे तरीके से करें, मगर उसमें मसालों की और मिर्चों की मकदार अपने फैमिली के हिसाब से रखा करें आप, तो आपका खाना बेहतरीन होगा आपके घर वालों के लिए। अब एक कढ़ाई या पैन लें, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल के ले लें। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसे इसमें अच्छे से फैला लें। 1 टीस्पून में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर चॉप किया हुआ हो तो वो भी चलेगा, वो बल्कि ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये सब्जियाँ। प्याज को मैंने इस शेप में काट लिया। ये मैंने एक प्याज लिया मीडियम साइज़ का। हरी मिर्चों को आप स्क्वायर शेप में नहीं लेंगे, इसको आप किसी डिफरेंट शेप में लेंगे ताकि ये अलग से महसूस हों। ये मैंने टोमेटोज़ लिए, एक टमाटर लिया मैंने और उसका गूदा निकाल कर उसे भी इस शेप में ले लिया। ये शिमला मिर्च है 2 कलर में, इन सबको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। गैस की फ्लेम मैंने हाई रखी है। मैं इसे तकरीबन 3 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने ये जो सॉस बनाई थी ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे आपस में मिक्स कर लूंगी। इसे मैं तकरीबन 1 मिनट पकाऊंगी। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। ये 1/4 कप पानी ऐड किया है मैंने इसमें। अब मैं इसे तकरीबन 2 मिनट और पकाऊंगी। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। नमक हमने
बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, या आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। इसे आपस में हम मिक्स करेंगे, और इसके बाद हम ये अंडे इनमें ऐड कर देंगे। और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट हम और देंगे। दो मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। एक हरी मिर्च है और एक लाल मिर्च है। इसे मिक्स करके मैं तकरीबन 30 सेकंड का दम दूंगी। 30 सेकंड हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू उठ रही है। अब मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये लीजिए जनाब, एग चिल्ली तैयार है। इसे आप फ्राइड राइस के साथ, चिकन चाइनीज़ राइस के साथ, और चाहें तो इसके साथ पराठा बना लें, या पतली पतली चपातियाँ, ये हर चीज़ के साथ बेहतरीन है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। नए आने वाले से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें, उससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप देख सकेंगे। खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।